हेलो फ्रेंड्स, तो हमारी आज की रेसिपी है मूंग दाल वड़ा। मूंग दाल वड़ा के लिए मैंने 150 ग्राम्स ऑफ मूंग दाल दिस 3 घंटे के लिए पहले से भिगा कर रख दिया है और ये अच्छे से अभी भीग गई है। अब हम इसे वॉश कर लेंगे इजीली ताकि इसके जो छिलके हैं वो इजीली बाहर आ जाएंगे। तो इसे अच्छे से आप 3 to 4 आवर्स के लिए भिगा कर रख दे। तो चलिए इसे वॉश कर लेते हैं। सो ये देखिए हमारी दाल वॉश हो गई है और हमने इसे छन्नी में दाल के ऐसे ड्रेन करने के लिए रख दिया है ताकि इसका पानी पूरा निकल जाए और ये बिल्कुल ड्राई हो जाए। पानी पूरा सूख जाने के बाद ही आप इसे ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड करने में भी आप इसमें बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं करेंगे। मैंने दाल अभी मिक्सी के जार में ऐड कर दिया है। दाल को हम एकदम स्मूथ पेस्ट नहीं बनाएंगे, हम इसको आधा पीसेंगे और आधा अखा रहने देंगे। सो क्विकली इसको पीस लेते हैं। सो ये देखिए हमारा दाल का पेस्ट रेडी है। ये एकदम स्मूथ नहीं है, ये थोड़ा थोड़ा अखा मूंग आपको इसमें दिख रहा होगा। सी तो आपको ऐसा पीसना है, एकदम स्मूथ पेस्ट करोगे तो वो आपको वैसा टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। आप इस बैटर को स्टोर करके भी रख सकते हैं। अराउंड 15 to 20 डेज आप इसको इजिली डीप फ्रीज करके रख सकते हैं फॉर रमजान। फ्राइंग से 1 घंटा पहले आप निकाल कर इसको फ्राई कर सकते हैं। सो मैं अब इसका आधा पेस्ट फ्रीज कर दूंगी और आधा पेस्ट हम फ्राई करेंगे। सो इसमें से हमने हाफ बैटर निकाल लिया है। हाफ बैटर के लिए मैंने लिया है इधर एक छोटा प्याज, छोटी साइज का चॉप कर, हरी मिर्च एक, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करें, हरा धनिया थोड़ा सा चॉप कर, हाफ टी स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, हाफ टी स्पून पाउडर और हाफ टी स्पून नमक, नमक भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करें। ये सारी चीज़ें हम मूंग दाल के बैटर में ऐड करेंगे। सारे मसाले नमक इसे मिक्स करें एंड देन डीप फ्राई करें। सो देखिए हमारा बैटर अभी रेडी है फ्राई करने के लिए। तो चलिए ऑयल गरम करते हैं। हमारा तेल गरम हो गया है, अब हम इसमें स्मॉल स्मॉल पोर्शन में 1 by 1 वड़ा ऐड करेंगे। आप इसे स्लो फ्लेम पर गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे ताकि ये अंदर से भी अच्छे से कुक हो। देखिए हमारे वड़े ऑलमोस्ट फ्राई हो गए हैं, अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। सो ये देखिए हमारे दाल वड़े फ्राई होके रेडी हैं। बाहर से बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट बनते हैं, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। आप इसे सॉस या चटनी किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं। जस्ट लुक एट दिस, मैंने ये दाल एकदम नहीं पीसी हूँ तो आपको थोड़ी अक्खी मूंग की दाल दिख रही होगी। तो इसका एकदम स्मूथ बैटर ना बनाने का यही फायदा है कि आपके वड़े एकदम क्रिस्पी बनते हैं। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करें और जिन्होंने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।